स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी में। इंडिपेंडेंस डे पास आ रहा है और आज हम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मोमोज बनाएंगे, ट्राई कलर मोमोज और साथ में ट्राई कलर चटनी। आप एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको सारी रेसिपी प्रॉपरली पता लग सके। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। हम अपने मोमोज। सबसे पहले हम मोमोज के लिए बनाएंगे फिलिंग। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है, गैस हमने ऑन कर दिया है। इसमें डालेंगे अपना रिफाइंड ऑयल, हमने 2 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल के डालने। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक, तकरीबन 2 चम्मच हमने अदरक के डालने और इसको लाइट ब्राउन होने देंगे। इसको मिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए। गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे। अब देख सकते हैं अदरक का कलर जो है चेंज हो गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसके साथ ही हमने 3-4 फ्लोरेस जो है गोभी के लिए, उसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। अच्छे से धो लेंगे सारी सब्जियों को पहले। इसके साथ ही हमने 1 छोटी गाजर लिए, वो भी डाल देंगे। बिल्कुल हमने जो है अच्छे से चॉप कर लेना है इसको बारीक बारीक। इसके बाद हमने कैबेज लिए, यानी कि बंद गोभी, आधी बंद गोभी हमने लिए। आप 1 छोटा फूल बंद गोभी का ले सकते हैं। ये भी हमने इस तरह से अच्छे से वॉश करके छोटा छोटा काट लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखने में बड़ी सुंदर लग रही है ये, बिल्कुल कलरफुल थी। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़े से अपने मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, हम इसमें 1/2 चम्मच जो है काली मिर्च का डालेंगे। तो ये काली मिर्च हमने डाल दी। इसके अंदर जो है ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत थोड़े मसाले पड़ते हैं इसमें। हमने काली मिर्च के साथ हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है नमक का डाल दूँ, बस इसमें और कुछ नहीं डालेगा। इसको मिला देंगे। फ्लेम हमारा तेज़ है, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में जो है हम इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से हमने इसको लगातार हिलाते हुए अच्छे से सॉटे कर लेना। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो फिलिंग है भून चुकी है। हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, थोड़ा क्रंचीनेस में रहने देंगे। तो गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जितनी देर ये ठंडा होगा हम अपना जो है मोमोज की तैयारी करेंगे। तो आइए मोमोज के लिए डो बनाकर तैयार करते हैं। हमने एक बोल लिया और इसमें डालेंगे हम मैदा। मैदा हम लेंगे इसमें 2 कप। तो 2 कप भरकर जो है हमने मैदे का ले लेना है। 2 कप जो मैदा लिया है हमने, उसकी मेजरमेंट हमने 1 ही कप से लिए। तो 1 ही कप से मेजरमेंट लेंगे। 2 कप इस कप की हमने जो है मेजर करके मैदे की डाल दी है। इसमें अब हम डालेंगे नमक। नमक हम सिर्फ 1/3 स्पून डालेंगे, ज़्यादा हमने इसमें नमक नहीं डालना होता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। हम इसमें 1.5 चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल का डाल देंगे। इसको अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जैसे हम चपाती के लिए डो बनाते हैं उस तरह का डो बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो डो हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा। डो हमारा रेडी हो गया, हमें सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से। इसको अब हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे रेस्ट पे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, इसमें जो है थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया से फिलिंग तैयार है, अब हम बनाना शुरू करते हैं मोमोज। तो चेक कर लेते हैं अपना डो। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, डो भी हमारा सेट हो चुका है। एक बार इसको 1 मिनट के लिए मसल लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से हमारा सेट हो चुका है। छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना लेंगे, इस साइज की जो है छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे और छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रख लेंगे। इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो सारी बॉल्स बनाकर हमने इसी तरह से तैयार कर लेनी है। लीजिए बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम एक बॉल इसमें से उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे अपने प्लेटफॉर्म, हल्का सा इसे दबाएंगे इस तरह से और बेल लेंगे। हमने इसको बेल लिया है। इसके अंदर इसको हाथ में इस तरह से रख लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच स्टफिंग। स्टफिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो हमारे मोमोज की शेप जो है सही नहीं आएगी। इस तरह से साइड से इसको मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड देते जाएंगे और इस तरह से इसको मोड़ते जाएंगे, दबाते जाएंगे हाथ से। ये देखिए इसको दबाते जाएंगे और इसको यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे। ये देखिए ये हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए। बहुत ही आसान है बनाने, जल्दी से बन जाते हैं।
दोबारा एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने सारे बनाकर जो है रेडी कर लेने हैं। मोमोज हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम ये कटोरियाँ लेंगे दो और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा जो है पानी डाल दिया है। इसमें अब हम एक में डालेंगे ग्रीन कलर, ये फूड कलर है। आपके पास लिक्विड हो आप लिक्विड डाल सकते हैं, और आपके पास अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं। मेरे पास जो है पाउडर कलर है, मैं पाउडर कलर यूज़ करूँगी। तो इस तरह से डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ग्रीन कलर बन गया। दूसरे में हम डाल देंगे एक पिंच ऑरेंज कलर, तो ये मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी हो गए हमारे दोनों। अब हम अपने मोमोज उठाएंगे और इस तरह से इस पर लगा देंगे थोड़ा सा कलर। इस तरह से हमने ऑरेंज कलर लगा दिया, हम ग्रीन कलर लगा देंगे इस तरह से। ये ऑरेंज ग्रीन और व्हाइट मोमोज हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे स्टीम। एक पतीला लिया हमने, इसमें पानी रख दिया बॉईल करने के लिए। हमने थोड़ा सा ही पानी रखना है, इसके अंदर हम स्टैंड रख देंगे। कोई भी स्टैंड हो आप स्टैंड रखते हैं। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी कुछ भी ऐसे रख सकते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे स्टील की प्लेट इस तरह से। इसको अब हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे मोमोज जो हैं वो चिपके नहीं। इस तरह से इसको जो है हल्का ग्रीस कर देंगे। इस तरह सारी जगह हमने ऑयल लगा लिया। इसके बाद हम रख देंगे अपने मोमोज। गैस का फ्लेम हल्का कर लेंगे। सबसे पहले व्हाइट वाले रखिए, नहीं तो उसका कलर जो है दूसरे में चढ़ जाएगा। तो हमने इसको रख दिया फ्लेम, हमने मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम में हम इसको ढक देंगे इस तरह से, और इसको 20 से 25 मिनट तक पकने दें। 20 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। मोमो तो हमारे रेडी हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको निकाल लेंगे। बनाना शुरू करते हैं हम अपनी मोमोज के लिए चटनी। सबसे पहले हम बनाएंगे व्हाइट चटनी। इसके लिए हम लेंगे एक उबला हुआ आलू, इसको हमने छील लिया है और इसको हम अपने मिक्सी के जार में इस तरह से काट कर डाल देंगे। इस तरह से हम इसको काटना चाहे काट ले, मैश करना चाहे मैश कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी दूध, आधा चम्मच चीनी, 1/3 स्पून नमक। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से हमने इसको पीस लिया, चेक कर लेते हैं ग्राइंड करने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बिल्कुल जो है कोई इसमें लम्स नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये पीस चुका हुआ है। इसमें अब हम डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे, थोड़ी गाढ़ी है ये। इस तरह से एक बार इसको हिलाएंगे और इस बार इसको एक बार फिर सिर्फ एक लाउंड लगाते हुए, एक बार घुमाते हुए हम इसको मिक्सी में दोबारा घुमाएंगे। हमने सिर्फ इसको एक बार घुमाया, चेक कर लेते हैं। तो हमारी ये वाइट चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया चटनी है। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप इसमें थोड़ी क्रीम भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास क्रीम भी नहीं है तो आप इसमें दूध में से जो मलाई निकलती है वो डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये हमारी बन गई एक चटनी। अब हम दूसरी बनाते हैं। दूसरी चटनी बनानी शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 लहसुन की तुरियां और 7 से 8 लाल सूखी मिर्च। हल्का सा हिला लेंगे। ये चटनी बनानी बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। लहसुन का फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। टमाटर हमने लाल लेने हैं, टमाटर को अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद ही हम इसको जो है डालेंगे। ब्राउन हो गया, इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर के बड़े बड़े पीसेस करके हमने इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। हल्की गैस करके बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसी तरह से घुमाएंगे। हल्की गैस में हमने इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह लगातार हिलाते हुए सौटे कर लिया है। अब इसको मिक्सी के जार में पलटेंगे और पीस लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी।
सिर्फ एक चम्मच पानी डालेंगे क्योंकि टमाटर में भी पानी होता है, ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। इसको पीस चटनी हमारी बन चुकी है, ग्राइंड कर ली हमने, चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है, इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं अपने बोल में। चलिए बनाना शुरू करते हैं मोमोज के लिए हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए हमने धनिया लिया है, हमने 2 कप धनिया लिया है, इसको हमने अच्छे से काट के धो लिया है। इसके साथ ही हमने 1/2 कप जो है पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, इसको भी अच्छे से हमने जो है वॉश कर लिया है। 1 नींबू और 1 हरी मिर्ची लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर हमने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप अपनी पुदीने की पत्तियाँ। इसके साथ ही हमने धनिया डाल देना है 2 कप। अच्छे से धनिया को हमने काट कर धो लिया है, इसको हमने डंडियों की समेत ही काट लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1 नींबू का रस डालेंगे थोड़े से खट्टेपन के लिए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, आप स्वाद के अनुसार अपना नमक डाल सकते हैं। और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, चटनी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मिक्सी के जार को बंद करेंगे और अच्छे से इसको जो है पीस लेंगे। चटनी चेक कर लेते हैं, इसको हमने 3-4 बार रुक रुक कर अच्छे से जो है इसको पीस लिया है। तो ये देखिए चटनी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, चटनी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। तो ये रेडी है आप खाने के लिए, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो लीजिए तीनों चटनियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। मोमोज के साथ इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको, मोमोज का स्वाद जो है इसके साथ और भी बढ़ जाएगा। ये ट्राई कर लो, बहुत ही बढ़िया टेस्टी मोमोज रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, यमी बने हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करें इस इंडिपेंडेंस डे, कैसे लगे शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।